गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज संडे है इसलिए मैं और मानस भैया और इधर तिंदुर भैया, हम लोग आशीष भैया फिलहाल बिजी है, ड्राइविंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम चारों निकल पड़े हैं घूमने के लिए। और ये देखो, दिलनूर भैया को पूरा खुश लग रहे हैं। हाय कर दो भैया। चलिए गाइस, हम दोनों को पता नहीं है, ये भैया लोग ही डिसाइड किया है कहाँ लेके जाएंगे, तो वो लोग रास्ते में ही बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम गाड़ी में हैं, तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं। मनस, तुम्हें कुछ पता है? कहाँ जा रहे भैया? काजीरंगा। कन्फर्म? कन्फर्म। तो फाइनली गाइस, पता चल गया, हम लोग काजीरंगा जा रहे हैं। और आप सबको पता होगा काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आज का ये रोड ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाला है। अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर्स क्रॉस करेंगे, दिखा दो इधर थोड़ा। ये नया ब्रिज है गाइस, ये देखो, वो रहा पुराना वाला ब्रिज। और गाइस, ये नया वाला ब्रिज ओपनिंग होकर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आई थिंक लास्ट ईयर इसका ओपनिंग हुआ है। इफ़ यू आर ए व्यूअर फ्रॉम आसाम, देन आपको पता होगा इस ब्रिज का नाम है कोलिया भमरा ब्रिज। और ये आसाम की दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, रिवर के उस पार है नौगांव डिस्ट्रिक्ट और इस पार में है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और गाइस, अभी 2:30 बज चुका है और हम लोग लगभग 1.5 घंटे के बाद काजीरंगा पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, अभी हम लोग काजीरंगा पहुंचने ही वाले हैं। इस रोड ट्रिप का सबसे शानदार पार्ट यहां से शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग को जंगल और पहाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहां में आपको जगह जगह पर ऐसे एनिमल कॉरिडोर देखने को मिलेगा। और रात के टाइम में यार सबसे ज़्यादा एनिमल्स रोड को क्रॉस करते हैं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं अपने दोस्तों के साथ इसी रोड से बोकाखात आया था। और हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे, तब हम लोग का गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गया, पंक्चर हो गया था। मतलब उसी टाइम मैंने बहुत सारे ऐसे जंगली बाफेलोज को रास्ता क्रॉस करते हुए देखा था। वो देखो गाइस, किंग कॉन्ग का स्टेचू बहुत बड़ा है यार। ये भी एक रिजोर्ट है। और ये है यहाँ का एक फेमस टेम्पल। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रहा है यार, कुछ खाना पड़ेगा आगे जाके। गाइस, अभी कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ बालेश्वर नाम का एक होटल है, हम लोग उधर जाएंगे अभी। तो हम लोग का खाना आ चुका है, तो हम लोग रोटी खाएंगे। और गाइस, अभी हम लोग पहाड़ से होकर जा रहे हैं, तो इस पहाड़ का नाम है बूढ़ा पहाड़। और एक बात यार, जब आप लोग इस रोड से जाएंगे ना, जगह जगह पर ऐसे कैमरा लगा हुआ है और यहाँ में सेंसर भी लगा हुआ है। अगर आपका स्पीड लिमिट एवरेज से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ का जो पुलिस है आपको पकड़ ले। और जगह जगह पर पुलिस का गाड़ी भी खड़ा रहता है, वो लोग गाड़ी से मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और इधर देखो, आशीष भैया को पूरा स्माइल दे रहे हैं। यह है काजीरंगा का गेट। और यहाँ में बड़ा सा एक वन हॉर्न राइनो का स्टेचू है। और काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक रिजॉर्ट पर आए हुए हैं। भैया ने लिखा है, मुझे तो पता नहीं इस रिजॉर्ट के बारे में, लेकिन भैया को पता होगा। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसा है ये रिजॉर्ट। तो पता नहीं हम लोग कहाँ आ रहे हैं, मुझे तो इस जगह के बारे में पता नहीं। कौन सा जगह है ये? हाँ, बोर्गोस रिजॉर्ट। तो भैया बोल रहे हैं कि किसी का शादी है, तो इधर पूरा सजाया हुआ है रिजॉर्ट, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों, इस रिजॉर्ट का नाम है बोर्गोस रिजॉर्ट। और यहाँ में चारों तरफ आपको सिर्फ पेड़ ही देखने को मिलेगा। और ये बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। और गाइस, अभी तो ये रिजॉर्ट बुक हो चुका है, किसी का शादी है, इसलिए अभी हम लोग दूसरा रिजॉर्ट जाने वाले हैं। तो अभी आशीष भाई कार निकाल रहे हैं और वो बोल रहे थे यहाँ में और एक फेमस रिजॉर्ट है मांडू नाम से, तो अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो अभी मैं जाके उधर दिखाता हूँ वहाँ का रिजॉर्ट कैसा है। तो
तो अभी हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और अभी जिस जगह में भैया लाने वाले थे उस जगह हम पहुंच गए। तो मुझे तो पता चल गया हम लोग कहाँ आ गए, इसलिए मैं आप सबको ही बता देता हूँ। तो गाइस इस जगह का नाम है मांडू, मांडू रिजॉर्ट है। तो दिखाते हैं कैसे ये जगह, बहुत ही सुंदर लग रहा है अंदर में। तो देख सकते हैं इस रिजॉर्ट का फुल नेम है मांडू द एस्केप रिजॉर्ट। और यहाँ में ऐसे बहुत सारे कॉटेज है और अंदर से कुछ इस तरह दिखता है यहाँ का रूम्स। इस रिजॉर्ट के अंदर में एक टी गार्डन भी है, वो भी मैं दिखाता हूँ आगे आप लोगों को। और दोस्तों मैं पहली बार के लिए इस जगह में आया हूँ, मतलब मांडू में आया हूँ। ये बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ का जो रूम्स वगैरह है उनका प्राइस कितना होगा मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है। तो हम लोगों ने एक भैया को पूछा था कि यहाँ का प्राइस कितना लेता है पर नाइट, तो उन्होंने बोला कि अराउंड 5 to 6,000। और ये प्राइस सेम नहीं रहता है, मतलब सीजन वाइज चेंज होता रहता है। और यहाँ में स्विमिंग पूल भी है गाइस। तो अभी हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। और इधर टी गार्डन भी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इस साइड में भी है और मेरे पीछे बड़ा सा पहाड़ है, बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ। और यहाँ से देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो दिलोर भैया कैसा लगा आपको ये रिजॉर्ट? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा और उधर भैया लोग हमारे वेट कर रहे हैं। कॉल किया था मानस को, तो वो रहा वो लोग उधर खड़े हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और सच में बहुत मज़ा आया आज। और आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए दूसरे ब्लॉग में। टाटा।